की बेहाल कहानी लेकर हाजिर हूं मैं संतोष गंगवार। बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर घटने के बाद भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बाढ़ के बाद कटाव से लोग दहशत में हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। कोसी समेत कई नदियों का पानी भले ही घट रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। आज भी न जाने कितनी ही बेहाल कहानियां तस्वीरों में तैर रही हैं। अब सुपौल से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। जिस जगह पर भरा पूरा गांव हुआ करता था, आज वहां नदी की धार बह रही है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए हैं। बच गया है तो बस घरों की निशानी और बेहिसाब परेशानी। पूरा बह गया, जो था वो सब चला गया। रात में अब ऐसा कुछ नहीं बचा। अब मजबूरन लोग बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन बेहाल करती बाढ़ की तस्वीरें सुपौल तक ही सीमित नहीं है। अब इनको देखिए। ये है किशनगंज के कोल भिट्टा गांव के निरुल हक। बड़ी हसरत के साथ पक्का मकान बनाया था, सोचकर कि परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जिएंगे, लेकिन आज अपने ही हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ने को मजबूर है। नहीं तो उफनाई नदी घर के साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगी, जैसे गांव के बाकी लोगों के घरों के साथ हुआ है। घर वो भी कटा करके जा रहा नदी में, तोड़ रहा हूँ, इसके वजह से हम अब क्या कर रहे हैं, मजबूर में हम हालत देख करके हम घर तोड़ रहा हूँ। भागलपुर के मसाड़ू गांव का एक परिवार तो किशनगंज के निरुल हक से भी बदनसीब निकला। इस गांव की विमला देवी की मौत ट्रेन से कटकर हुई थी। घर वाले अंतिम संस्कार करने गए तो नदी की धार घर को बहा ले गई। अब घर वालों की कुछ समझ नहीं आ रहा, हालात पर रोएं या फिर अपनी किस्मत पर। बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अररिया शहर में परमान नदी का पानी घुस चुका है। साथ में बाढ़ के पानी में डूब चुका है भगवान का मंदिर कहा जाने वाली नानू बाबा की कुटिया। कुछ ऐसा ही हाल दरभंगा में भी है। नेपाल में बारिश हुई और जमालपुर का भूभौल गांव पानी में डूब गया। अब मास्टर जी को पानी में घुसकर स्कूल जाना पड़ रहा है। अब एक तस्वीर मोतिहारी की भी देख लीजिए। नेपाल से आने वाली धतुआ नदी का पानी भेलाही में सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे 200 गांव का संपर्क टूट गया। यही नहीं, पानी की इस धार ने मासूम शिवम को मौत की नींद सुला दिया, जो अपने चप्पल को बचाने चला था। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। बिहार के एक बड़े इलाके में हर साल कुछ ऐसा ही होता है। काश कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18। तो पानी घट रहा है, लेकिन परेशानी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। किशनगंज की तस्वीर आपको हमने दिखाई। कनकई रतुआ नदी के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन बाढ़ का जो पानी है वो घटा है। कटाव काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि जो पानी का बहाव है बहुत तेजी से हो रहा है। कोल भिट्टा गांव में दर्जनों मकान नदी में समा चुके हैं। ये स्थिति है किशनगंज की, जहां पर बाढ़ का पानी तो घट रहा है, लेकिन जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है। अररिया से भी स्थिति कोई अलग नहीं है। परमान नदी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। शहरी इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है। सीतामढ़ी, शिवहर, चार जगह पर तटबंध टूट चुके हैं, और ऐसे में स्थिति और भयावह होती चली जा रही है। बेलसंड और रुन्नी सैदपुर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी लगातार बह रहा है और तेज बहाव के साथ बह रहा है। ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही, लेकिन प्रशासन भी अपने हिसाब से मदद करने के लिए मैदान पर उतर चुका है, मदद पहुंचाई जा रही है। मोतिहारी से जो खबर आई है वो भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। खुथा नदी का पानी गांव में घुस चुका है, घरों में घुस चुका है। 20 से अधिक गांव में आना जाना बंद हो चुका है। जो नदी का नाम है खुथा, उसका पानी गांव में घुस चुका है। 20 से अधिक गांव में आना जाना बंद हो चुका है। SSP के चेक पॉइंट में पानी घुस चुका है, और ऐसे में लोग परेशान हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, कोई उन्हें इस बाढ़ से बचा ले, इस उम्मीद में लोग जिंदा हैं। सुपौल की अगर बात करें तो सुपौल की स्थिति भी इन जो बाकी के इलाके हैं उनसे जुदा नहीं है। कोसी का जो जलस्तर है वो लगातार गिरा है, उसके बावजूद गांव में जो पानी है उसकी धार बेहद तेज है। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
फसलें चौपट हो चुकी हैं, हरे भरे खेत जो थे उनको नुकसान हो चुका है। फसलें, धान की फसल खासकर, वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी है। लोग घरों से विस्थापित हो रहे हैं, अपने आशियाने को खुद से तोड़ रहे हैं और इधर से उधर जाने को मजबूर हैं, ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं, घर छोड़ने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो वहां भी स्थिति जुदा नहीं है। बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। औराई और कटरा के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूर्णिया की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पूर्णिया में महानंदा, कनकई और कोसी तीन नदियां बहती हैं और तीनों ही की तीनों नदियां उफान पर हैं। स्टेट हाईवे 99 का डायवर्जन टूट चुका है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। पानी जो है वो घरों में घुस रहा है, गांव में घुस रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम यहां भी सुनाई दे रहा है। गोपालगंज की अगर बात करें तो मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध जो था वो ध्वस्त हो चुका, इसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रामपुर टेंगराही गांव के पास में जो पानी था वो तबाही मचा रहा है। 1500 से अधिक घर पानी में डूब चुके हैं और लोग यहां भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। NDRF SDRF की टीमें लगातार मदद पहुंचा रही हैं। दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। किरतपुर में कोशी का बांध टूट चुका है और कोशी का जो बांध है उसके टूटने से घर और मकान पानी में समा चुके हैं। लोग यहां भी मदद की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव के कारण उत्तरी सुगाव पंचायत के डोंगी गांव में रिंग बांध टूट गया। पानी के दबाव के कारण लगभग 30 फीट रिंग बांध टूटने से पानी का फैलाव तेजी से निचले इलाकों की तरफ हो रहा है। पानी के फैलने से हजारों हेक्टेयर की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं सैकड़ों घर हैं उससे लोग इधर से उधर जाने को मजबूर हो रहे हैं, यानी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इस रिंग बांध को टूटने से परेशानी उनकी बढ़ गई। तो मालूम हुआ है कि वार्ड नंबर 1 में बांध टूट गया है, जिससे लगभग 400 घर अभी तत्काल प्रभावित होगा। अगर बांध जल्द से जल्द नहीं बना गया तो पूरे उत्तरी सुगा प्रभावित हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग ने जिला को सूचना दे दिया है, CO साहब को भी सूचना दे दिया है। अब दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां किरतपुर में कोसी बांध का पश्चिमी तटबंध टूट गया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। कई घरों का और दुकानों को बाढ़ के पानी ने निगल लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 मीटर से ज्यादा दूरी में बांध टूटा है और बांध के सामने पड़ने वाले एक सड़क के पुल का भी बड़ा हिस्सा पानी अपने साथ बहा ले गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है। बाढ़ का कहर अब दिखने लगा है। हम आपको दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड जीरो से, आप देखिए ये जो इलाका है किरतपुर प्रखंड का जो है भूवल गांव है, और भूवल गांव में जो कटा हुआ है कोसी नदी, एक तरह से कहें तो अपनी धारा को बदल लिया है। जो नदी है वो नदी कटाव करते हुए पश्चिम की ओर जो है बहने लगा है और ये विकराल रूप है। और आप सामने देख सकते हैं कि जो पुल आपको दिख रहा होगा उस पर भी लगातार पानी का प्रेशर है। ऐसे में पुल भी बहुत देर तक इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं, हम जान लेते हैं भवाई कौन सा जगह है, क्या स्थिति है? भूगोल है जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? तो बांध टूट गया, बहुत गड़बड़ स्थिति है। कितना गांव प्रभावित हुआ? बहुत गांव, यहाँ से लेकर घंगेपुर तक है। पानी कितना? पानी तो बहुत है वहाँ, बेगर है सब आदमी को, कोई सरकारी आदमी ने कोई देखता है, ने कोई कुछ करता है, ने लाभ देता है, ने कोई कुछ करता है, अब फंसा हुआ है। बहुत इधर जो पानी था ना तो बहुत फुल पानी था। जब ये बांध टूटा तो किसी का संभालने का भी नहीं मौका मिला, सबको दाना पानी सबको घरे में रह गया, किसी निकाल नहीं पाया, इतना तेज बांध टूटा सबको घरे घरे का एक पानी भर गया। स्थिति भयावह है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो गांव दिख रहा है पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। प्रशासन को वहां पहुंचना चाहिए और वहां फंसे हुए लोगों को निकालना चाहिए और उन्हें जो जरूरत है उसकी भरपाई होनी चाहिए। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद पटना सिटी के अधिकांश घाट एक बार फिर से डूब गए हैं। आलम यह है कि गंगा के किनारे बना गंगा पाथवे भी कई जगहों पर डूब गया है, जिसमें दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। आलमगंज के गाय घाट से लेकर माल सलामी के
दमराही घाट तक कई जगहों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। घाटों की स्थिति खतरनाक हो जाने के बावजूद बच्चे गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। तो दो दिन से लगातार तीन दिन से बढ़ रहा है पानी, लगभग 2 फीट हाइट बढ़ गया है। हम लोग तो अभी हाले इस सीढ़ी को धो धा किए थे हम लोग, परसों से पानी बढ़ना चालू हो गया और पानी बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। हम लोग तो जा रहे हैं जिलाधिकारी और नगर पदाधिकारी से कि फिर से कम दो चार को फोर्स यहाँ दे दिया जाए, जिससे बच्चा लोग देखिए बच्चा लोग देखिए बहुत बदमाशी कर रहा है, किसी टाइम में कोई हादसा हो सकता है। आप लोग इस पर ये कीजिए, रोक लगाइए, प्रशासन पर जोर दीजिए, इस पर बहुत बुरी तरीके से सब बदमाशी कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, उसमें सब मारपीट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो ध्यान दिए जरा, सब पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, लड़का लोग बहुत यहाँ पे सेंग कर रहा है, देखिए बहुत सा बात है, पानी तो थोड़ा सा घट गया था फिर भर गया है। प्रशासन थोड़ा सा ये है, कम से कम प्रशासन को यहाँ थोड़ा टाइट कीजिए। और बाढ़ को लेकर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। विजय चौधरी ने कहा कि पानी इतना आया है कि पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया, कोशी और गंडक ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल के अनुभव के आधार पर तटबंध और कैसे मजबूत हो, नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट की मांग बिहार से की गई थी, केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, बिहार में सुझाव मांगा गया है, उम्मीद है कि केंद्र सरकार से हमें मदद मिलेगी। लोगों ने मांग एक कदम रखा और केंद्र सरकार ने भी उसको संवेदनशीलता से देखा है, अब हम उसमें और ज्यादा उसको पूछते हैं, इस साल के अनुभव को भी उसमें शामिल करेंगे कि इस साल के अनुभव के आधार पर भी हम अपने तटबंधों को और मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि अब जलस्राव बढ़ा है। लगातार हम लोगों ने मांग की है कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय विकास प्रबंधन नीति, जिसमें भी केंद्र सरकार काम कर रही है। और बिहार में आई बाढ़ पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार सजग है, पदाधिकारी को जगह जगह तैनात कर दिया गया है, सरकार आपदा पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रही है और जान माल का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को राहत पहुंचा रही है, साथ ही बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए भी प्रयास जारी है। निश्चित तौर पर आज भारत सरकार ने तो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का बाढ़ आपदा से निपटने के लिए उन्होंने पहले ही घोषणा किया, और इस तरह से केंद्र की भी निगाह है, गृह मंत्रालय का भी निगाह है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है, इसका अस्थायी समाधान के लिए भी प्रयास कर रही है। और बिहार में बाढ़ की भीषण तबाही के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुदूर इलाकों में पहुंच गई है, बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के अलावा उनके पशुओं और सामानों को भी एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम के साथ न्यूज 18 की टीम भी सुदूर गाँव में पहुंची, मुजफ्फरपुर में राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। विस्का की वजह से एक बार फिर से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के लोग तबाह हो गए हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड की, और देखिए ये सीमा है और मुजफ्फरपुर में किस कदर पानी जो है वो पहुंचा है यहाँ पर, और लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 17-18 साल के बाद इस तरीके से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में आया है, लोग अपना सब कुछ छोड़ कर चले गए हैं। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त हमारे साथ है। हम लोग मैंने लगभग 400 से 500 के आसपास में, 400 से 500 के आसपास में। ये बाढ़ का पानी इस इलाके में कब पहुंचा, रात से आया या सुबह से? सुबह में 8 बजे के आसपास में। 8 बजे? तो 8 बजे से आप लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, आप लोगों को समय से इन्फॉर्मेशन मिल गया था? हम लोग समय से मिल गया। गौरीशंकर राय हैं, बता रहे हैं, और देखिए तस्वीर थोड़ी कितनी भयावह तस्वीर है, ये बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर लोगों को तबाह किया है इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं, और लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू कर निकाले गए हैं। और ऐसे में अब एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, आपको अगर आपके लिए आपके घर तक पहुंची है तो आप लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप कॉपरेट करें, सहयोग दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही इनका मेन पर्पस है और इसी कारण ये आपके घरों तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन मनीष चुनिंदा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।
और सुपौल में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए पुल निर्माण एजेंसी देवदूत बनकर आई। पुल निर्माण एजेंसी के लोगों ने बाढ़ में फंसे लोगों को हाइड्रा मशीन से बाहर निकाला, दर्जनों बच्चों को भी बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है, दूसरी ओर बाढ़ पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता रोड़ी आचार्य ने राज्य सरकार पर सवाल किया तो एनडीए नेताओं ने पूछ लिया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं। एक तरफ बिहार के लोग बाढ़ से बेहाल हैं और दूसरी ओर तेजस्वी यादव दुबई में सैर सपाटा कर रहे हैं। काम तो कुछ करना नहीं है, तो वो तो राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और पूरी भारत सरकार राज्य सरकार जगी हुई है। बिहार में उफनाई नदियों का पानी अब घटने लगा है, लेकिन राजनीति की चाल तेज होती जा रही है। सरकार का काम ही है ना, पलटवार खाली करते रहो, गाली गलौज करते रहो, काम तो कुछ करना नहीं है। काम विपक्ष कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, विपक्षी ना काम कर रहा है, बाढ़ पीड़ित का मदद कौन। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सिंगापुर से लौटी लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बाढ़ पर सरकार से सवाल क्या पूछा, बिहार की सियासत लहक गई। ये कभी सिंगापुर से कभी पटना से, इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग। एक के बाद एक कई एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमले किए और सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। एनडीए नेताओं ने कहा कि जब जब बिहार के लोग किसी मुश्किल में होते हैं तेजस्वी यादव लापता हो जाते हैं, जैसे अभी विदेश सैर सपाटा करने चले गए हैं। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है तो वो तो राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब जब बिहार में कुछ इस तरह की स्थिति होती है तो पता चलता है तेजस्वी यादव जी विदेश दौरे पे हैं और सैर सपाटे में लगे हुए हैं। बाढ़ की धार में तेज हुई सियासी पानी में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने हाथ धोने की कोशिश की। वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता है ताकि कटे, अब बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। बाढ़ पर तेज हुई सियासत के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की और पत्र लिखकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोसी क्षेत्र में बड़ा बराज बनाने की मांग की। सम्राट चौधरी ने इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को तब और अब में फर्क का आईना दिखाया। एक जमाना वो था जब लालू जी सत्ता छोड़ रहे थे तो 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, कुसहा टूट गया था। आज तो 6 लाख से अधिक क्यूसिक पानी छोड़े गए और पूरी भारत सरकार राज्य सरकार जगी हुई है। फिलहाल बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है, नेता लोग नेतागिरी करने में लगे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और किशनगंज जिले में कनकई रतुआ नदी के जलस्तर में कमी हुई है, इससे बाढ़ का पानी तो घट रहा है लेकिन कटाव काफी तेजी से हो रहा है। तेज कटाव की वजह से बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत के कोलभिट्टा गांव में दर्जनों कच्चे पक्के मकान नदी में समा गए। अभी पक्के मकानों के लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, साथ ही घर के सामान को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं लेकिन आपदा की घड़ी में कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बहादुरगंज की ये तस्वीरें जहां लोग अपने घर को खुद से तोड़ रहे हैं, वजह कि जैसे ही बाढ़ का पानी उनके घर के नजदीक आया और ये खतरा मंडराने लगा कि उनका घर इस नदी में बह सकता है, ऐसे में लोग अपने घर को तोड़ने को मजबूर हैं। जिस आशियाने को अपने हाथों से इन लोगों ने सजाया था अब उस पर ही हथौड़ा चला रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।